नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे, तो हम यहाँ जिस प्रश्न की बात करेंगे उसको पहले देख लेते। तो प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न है कि 6 मीटर भुजा की वर्गाकार फर्श पर 20 सेंटीमीटर गुणा 30 सेंटीमीटर आकार के कितने पत्थर लगेंगे। ठीक है, एक वर्गाकार फर्श है, उसकी भुजा है 6 मीटर। ठीक है, अब 6 मीटर भुजा है, अब यहां सेंटीमीटर में दिया है तो हम इसको सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 600 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वर्गाकार फर्श है, इस पर लगाए जाने हैं पत्थर। ठीक है, या टाइल्स बोल दे या पत्थर बोल दे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसे पत्थर इसमें लगाए जाने हैं। उसने पत्थर की लंबाई और चौड़ाई दी है 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। अब उसने हमसे पूछी है कि कितने पत्थर लगेंगे, तो हम क्या करेंगे, इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, एक पत्थर का क्षेत्रफल निकालेंगे और फर्श के क्षेत्रफल में हम पत्थर के क्षेत्रफल का भाग दे देंगे तो पत्थरों की संख्या निकल के आ जाएगी। ठीक है, पहले तो निकालेंगे क्या दिया है, वर्गाकार फर्श की भुजा बराबर है 6 मीटर। ठीक है, वर्गाकार फर्श की भुजा दी है 6 मीटर, इसको हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में तो क्या हो जाएगी 600 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम वर्गाकार फर्श का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा 600 का स्क्वायर, 6 × 6 = 36, 2 × 0 = 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम निकालेंगे पत्थर का क्षेत्रफल, पत्थर का क्षेत्रफल एक पत्थर का निकलेगा, पत्थर की लंबाई है 30 × 20 या 20 × 30, 3 × 6 = 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया एक पत्थर का क्षेत्रफल। अब हमें निकालना है पत्थरों की संख्या, पत्थरों की संख्या बराबर क्या होगा, वर्गाकार फर्श का क्षेत्रफल, इसमें हम भाग लगा देंगे एक पत्थर का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल है 36 के साथ 4 जीरो है और इसका क्षेत्रफल है 600। ठीक है, अब इसको काट कर देंगे 0 0 0 0, 6 से काटेंगे 6 × 6 = 36 के साथ 0 और बचेगा, यानी कुल पत्थरों की संख्या कितनी निकल के आ गई 600। ठीक है, तो इस वर्गाकार फर्श को भरने के लिए या इस वर्गाकार फर्श को टाइल्स रूपी बनाने के लिए हमें 600 पत्थरों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो जब पत्थर वाले सवाल आते हैं तो हमें ऐसे ही सॉल्व कर देना है। याद रखना है कि प्रश्न हमें कंफ्यूज कर देता है यूनिट में, जैसे कि यहाँ मीटर में दिया था और यहाँ सेंटीमीटर में दिया है, तो आपको यूनिट हमेशा सेम करनी है, या तो हम इसको मीटर को सेंटीमीटर में बदल दें या सेंटीमीटर को मीटर में बदल दें, जो भी आपको उचित लगे वो करें और सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। यूनिट का विशेष रूप से ध्यान देना है। ठीक है, तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।